नमस्ते दोस्तों, ज्ञान इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे केबल के हाई वोल्टेज टेस्टिंग के बारे में। इसमें इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा हाई वोल्टेज टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाई वोल्टेज टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है और टेस्ट के दरमियान हम कौन कौन से पैरामीटर को ऑब्जर्व करते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में देखें। दोस्तों, ये हाई वोल्टेज टेस्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव इतना है कि इससे हम केबल इंस्टॉलेशन है उसका स्ट्रेंथ नक्की करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि वो ओके है या नहीं है। अगर टेस्ट पास कर लिया केबल ने, इसका मतलब कि केबल रेटेड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मतलब कि रेटेड करंट या रेटेड वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो सकता है। अगर ये टेस्ट फेल हुआ, इसका मतलब कि हमको हम ये केबल नया ले रहे हैं तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ऑपरेटिंग कंडीशन में तो हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम टेस्टिंग का प्रोसीजर देखते हैं कि हाई वोल्टेज टेस्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये टेस्ट हम कैसे करते हैं कि इसमें एक कोर है, उसको हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं किट के हाई वोल्टेज टर्मिनल से, और बाकी जो फेस बचे उसको हम शॉर्ट करते हैं आर्मर के साथ, और जो आर्मर है उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करके किट के। बाद में हम क्या करेंगे कि टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। टेस्ट वोल्टेज कितने रहते हैं? टेस्ट वोल्टेज है वो 4 टाइम्स फेज वोल्टेज रहते हैं, मतलब कि केबल आपका 11 केवी का है तो क्या करने का, 4 टाइम्स 11 केवी का फेज वोल्टेज देने का, मतलब 11 केवी डिवाइड बाय रूट 3, मतलब कितना वोल्टेज होगा, ये 25.4 केवी होगा। तो इतना वोल्टेज हमको केबल को देना है, और कितने ड्यूरेशन के लिए, 4 आवर्स के लिए। अब ये बात किसने बोली, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि एक PIS स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है 7098। इस पर दिस स्टैंडर्ड हमको 4 टाइम फेज वोल्टेज, 4 टाइम फेज वोल्टेज और 4 घंटे के लिए देना है। अभी दोस्तों मैंने जैसे बताया आपको कि IS स्टैंडर्ड है 7098 पार्ट 2, इसके हिसाब से हमको टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करना है 4 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज और ड्यूरेशन कितना है, 4 आवर्स। अगर केबल ने ये विस्टैंड कर लिया तो फिर हम कह सकते हैं कि केबल का इंस्टॉलेशन है वो ओके है और केबल ने ये टेस्ट पास कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आपको केबल के टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप प्लीज़ ये स्टैंडर्ड है इसके बारे में थोड़ा जानिए। इस स्टैंडर्ड की PDF है, वो गूगल पे स्टैंडर्ड आप लिखेंगे तो इसका एक PDF आएगा, वो PDF डाउनलोड करें, रीड करिए, उससे आपको काफ़ी कुछ जानने को। अब मैं दोस्तों आपको ये हाई वोल्टेज टेस्ट का डिसएडवांटेज बताता हूँ कि ये टेस्ट है वो डिस्ट्रप्टिव टाइप टेस्ट है। मतलब क्या डिस्ट्रप्टिव, मतलब कि अगर ये टेस्ट आप बार बार केबल पे परफॉर्म करोगे तो फिर केबल का डिग्रेड होगा, केबल डिग्रेड होगा, मतलब कि केबल की लाइफ है वो कम होती जाएगी। इसीलिए हम ये केबल का सिर्फ 2 या 3 बार ही टेस्ट करते हैं। एक तो हम जब नया केबल रहता है तब इंस्पेक्शन के टाइम टेस्ट करते हैं, और दूसरा है कमीशनिंग के बाद, जब कमीशनिंग हो गया केबल तब कर सकते हैं, और जब सर्विस में आ गया बाद में आपको 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद अगर आपको केबल टेस्ट करना है, आपको डाउट है कि ये केबल का हेल्थ कैसा है, तो फिर आप VLF टेस्ट कर सकते हैं, वेरी लो फ्रिक्वेंसी टेस्ट। ये टेस्ट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, आपको मैं इस टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।